जय माता की, जय श्री महाकाल। आप सभी को माता रानी स्वस्थ रखे और मस्त रखे। आपकी मंगल कामना के लिए मैं हमेशा भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी खुश रहें, निरोगाया रहे और आप लोग मस्त रहें। ठीक है, तो आज बस वैसे मैं कोई टॉपिक आपके लिए स्पेशल तो नहीं है मेरा कोई टॉपिक, लेकिन आप लोगों से थोड़ी छोटी सी बात करने के लिए आई हूँ, क्योंकि लाइव में भी मैं आप लोगों के साथ करती हूँ बात, आ सकती हूँ। लाइव में मेरा बहुत लंबा टाइम हो जाता है, फिर जैसे आपका दिल नहीं करता ना मुझे छोड़ के जाने को, वैसे मेरा भी नहीं करता, फिर मेरा टाइम बहुत चला जाता। तो ये होता है मुझे, मैं आपके साथ जुड़ी भी रहूँ और अपने हृदय की बातें और अपने मन की बातें, और मैं आप सभी को बता भी दूं कि किसी भी चीज़ से आप गुमराह ना हो, कुछ भी मंशा आपके माइंड में ना रहे कि ये है और वो है, तो आप चलो छोटी सी वीडियो में लंबी जानकारी ले लें, क्योंकि कई बार हम ऐसे एक्सेसिव बोली जाते हैं, जो हमें मतलब की बात बोलनी है, किसी तक पहुँचानी है, वो बोली नहीं जाती है, माइंड कन्फ्यूज रहता है। इस टाइम हम सोच के बैठे होते हैं कि चलो हमने इससे निमित्त ये बात बोलनी है, ठीक है ना। तो आप देख ही रहे होंगे कि YouTube में आप सभी की सपोर्ट से मैं चैनल थोड़ा मेरा चल रहा है, ठीक ही चल पड़ा, ऐसा भी नहीं कह सकती मैं कि बहुत ही अच्छा चल पड़ा। क्यों नहीं चल पड़ा बहुत अच्छा, क्योंकि आपको खुद ही तो पता है कि जो ये दुष्ट लोग होते हैं, ये हर तरह अपनी क्रिया आजमाते हैं। जिस भी आप प्लेटफॉर्म में उतरोगे, कहीं भी जाओगे, कुछ भी कार्य करोगे, कुछ भी वजह से वहाँ अपनी टांग जैसे खड्डी की तरह ना अड़ा करके ही रखते हैं। ये इनकी आदत ही है, ये आज की आदत नहीं है, ये शुरू से ही आदत है, ठीक है। तो माँ का मुझे आदेश था तो मैं चलो चलेगी, ठीक है, वो भी कोई बात नहीं है, माँ की जिम्मेवारी है उसमें, वो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों का सभी का इसलिए थैंक्स करने आई हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी सोचा था कि ये भी मैं वीडियो बनाऊंगी, तो मुझे टाइम ही नहीं लगा, मैं भूल जाती थी, टॉपिक भी नहीं मुझे लगता था कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। तो मैं ये बोलना चाह रही हूं कि देखो, अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैं ये सोचती हूं कि मैं बहुत अच्छी ग्रो कर रही हूं अपने टाइम पीरियड के हिसाब से। वो मैं क्यों कर रही हूं, क्योंकि आप लोगों ने मेरा भरपूर साथ दिया है, क्योंकि आप लोगों ने अपनी प्लेलिस्ट मेरी चला चला करके मेरा वॉच टाइम बढ़ाया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखते हैं, जिसकी रैंकिंग मेरे पास आती है कि फुल वॉच आपने वीडियो की है, तो 1 रैंक पे वीडियो होती है मेरी, और वो मुझे बहुत अच्छा वो देती है, और फिर उसके ऊपर आप कमेंट इतने अच्छे अच्छे लिखते हैं। मैं सॉरी इस चीज़ के लिए कहती हूँ कि मैं एक एक के कमेंट पे थैंक्स नहीं लिख सकती, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरा कितना बिजी शेड्यूल है, ठीक है, मेरे पास अपने लिए भी समय नहीं रहता है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए फिर भी मैं आप लोगों को अपना प्यार उसमें दे ही देती हूँ कि बहुत थैंक्स आपने जो अपना इतना कीमती समय निकाल करके मुझे कमेंट करते हैं, और दूसरे का मनोबल बढ़ता है इससे, दूसरे को आप अच्छा वो करते हो तो दूसरा भी आपके लिए फिर अच्छी कोशिश करता है, अपनी तरफ से करने की कोशिश करता है। देखो, जनता ज़्यादा होने के कारण, मेरे साथ लोग ज़्यादा होने के कारण मैं एक पर्सनल एक पर्टिकुलर लोगों को देख भी नहीं सकती हूँ, उसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप कीर्तन में आइए, जो भक्ति मार्ग होता है, भगवान का धाम होता है, भगवान का क्षेत्र होता है, जैसे कि अब मैंने एक मंदिर बनाया है, आपको पता ही है कि जब यहाँ ठाकुर बैठे हैं, भगवती बैठे हैं, तो यहाँ नित्य नई पूजा, दीप ज्योत दीप मंत्र जाप होता ही होगा, ठीक है। वहाँ एक बैठने मात्र से भी आप वहाँ कुछ ना कुछ लेकर के आते ही हो उस दरबार से, ठीक है। फिर उसके ऊपर आप साधक के सामने बैठ गए, अगर साधक के ऊपर कोई शक्ति आ जाती है तो सोने पे सुहागा, तब आपका खुद ही बैठे बैठे ही कष्ट कट जाता है, ठीक है। तो आप ये कोई भी ना सोचा कीजिए कि अगर हमारी बारी आ गई है आगे आकर के, तो हम उस जगह को मल लें अच्छी तरह से, ठीक है। हाँ, मैं बोलूंगी, क्योंकि आप बात को समझ ही नहीं रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। मेरी भी फैमिली है, मेरे भी बच्चे, मुझे उठना भी होता है जल्दी, मैं भी थक जाती हूँ। एक व्यक्ति की एक टाइम से बोलना, कंटिन्यू शो कर रहा है और 8-8, 9-9 बजे तक बोल रहा है ना, तो कितनी उसके पास एनर्जी होगी, है ना, कितना, है ना। मैं तो वैसे ही, सच में कह रही, मैं तो वैसे ही बहुत नाजुक हूँ, मेरे को तो समझ नहीं आता मुझे कैसे भगवान ने ये जिम्मेवारी दी। इसके लिए तो शरीर जरा दमदार होना
निशान चाहिए मुझे, तो जरा सा ऐसे हो जाए तब निशान पड़ जाता है। मेरे तो समझ नहीं आता है मैंने ये लाइन चुन कैसे ली। लाइन अच्छा सबसे बड़ी बात होती है, हम नहीं होते चुनने जानने में कोई भी, प्रभु जो करवाए जिससे जितने टाइम करवाना है उससे उसने करवाना ही करवाना है, उससे हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, उन्होंने ही मुझे बोलना सिखाया, उन्होंने मुझे गाना सिखाया, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखा रहे हैं वो। मुझे एक सिंपल आईडी बनानी नहीं अपनी आती होती थी, मुझे नहीं पता होता था, और आज देखते हो आपकी, हाँ मैं एडिटिंग भी कर रही हूँ, वीडियो भी चला रही हूँ, सब कुछ लिख भी रही हूँ, सब कुछ कर ही रही हूँ आप लोगों के सामने। तो ये प्रभु इच्छा से ही हो रहा है, मुझे तो नहीं है, क्योंकि मैंने कोई ट्रेनिंग लेने तो गई नहीं कहीं। ठीक है ना, तो ये आपको मैं बातें इसलिए बता रही हूँ ज्यादा कि जब आपकी बारी आगे आ जाती है, मेरे पास आ जाती है। देखो कई बार कोई पेशेंट होता है, कैसे कोई खेलते हैं, एक एक मरीज कई बार एक एक घंटा ले जाता है, बाकी लोग कहाँ जाएंगे और फिर मैं कहाँ जाऊंगी, फिर मैं आप लोगों के लिए थोड़ी बैठी बैठी रहूंगी, और अगर मैं उठ करके बीच से चली जाऊंगी तो फिर आप कैसे जाऊंगे। वो लोग इतनी दूर से अयोध्या से आए हुए थे, ठीक है, अब जिन लोगों ने दूर जाना है उन लोगों का क्या बनेगा भाई, फिर उन लोगों का क्या बनेगा। और ये जो रोज आते हैं चौकी पे, जिन्होंने सोचा ही हुआ है कि हमने हर सैटरडे जाना, भाई आप अपनी बोतलें रख ले, जैसे लाइव में सभी रखते हैं खोल करके, उसमें वहां पर भी कीर्तन की भी ऊर्जा होती है, सब अपने ढक्कन खोल के रख दें लाइव में, अपनी अपनी बोतल का ध्यान रखें, नाम लिख ले चाहे रखें, ठीक है, मुझे टाइम लगता है बाद में मैं करूं, आप ऐसे भी लेकर के जा सकते हैं। हर बार कॉन्टिन्यू आपने, आप देख लीजिए अगर नए व्यक्ति ज्यादा आए हुए हैं और मरीज ज्यादा है या उनपे दीदी का टाइम लग रहा है, तो आप अपनी बोतल उठा करके जा सकते हैं, ना ही अपना टाइम वेस्ट करें, ना ही बार बार आगे आकर के मेरे मुझसे करें। आपको कोई समस्या है, कहीं तकलीफ होती है, आपको मैंने नंबर मेंशन किया, आप मुझे व्हाट्सएप करिए। जब भी मैं पूजा करने जाती हूँ सब मैं फोन देख कर ही जाती हूँ, जिसकी भी समस्या से रिलेटेड मेरे पास कोई मैसेज आया होता है, मैं पूजा में उनके लिए दुआ करती हूँ, और आप अपने घर बैठे ही ठीक हो जाओगे, ठीक है, जो चौकियां भरते हैं। बार बार आने का कोई मतलब ही नहीं है आगे आने का, और फिर आप खुद आते हैं, खुद कभी किसी की फोटो लेकर के आ जाएंगे, कभी किसी की फोटो लेकर के आ जाएंगे, फोटो से क्या होगा, मैं नहीं करूंगी फोटो से काम नहीं करूंगी, ठीक है। अब बताने में भी तो टाइम लगता है ना, बताने में भी तो टाइम लगता है, और भी रह जाते हैं, ठीक है। जिसको कष्ट है, जिसको तकलीफ है, वो दरबार में आए, फेस टू फेस बात कीजिए, फेस टू फेस आप अपना हल करिए, मैं मना किसी को नहीं करती, ठीक है। जब आपकी आगे जगह आ जाती है, फिर आप ये फोटो देखो, उसके बाद हम एक होर देखो, उसके बाद एक होर देखो, तो फिर ऐसा नहीं चलेगा भैया, आप ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि अगर मैं देखो बड़ी पोलाइटली देख रही हूँ, बड़ी स्ट्रिक्ट नहीं हूँ किसी बात के लिए, बड़ी आपके साथ ऐसे नहीं करती हूँ, बड़ा सोचती हूँ कि क्योंकि मैंने इन चीज़ों से रिलेटेड टाइम देखा है, और मैं हर गरीब की समस्या सोचती हूँ, आपकी पॉकेट भी देखती हूँ, आपका आना जाना भी देखती हूँ, आपका खर्चा भी देखती हूँ कि आप इतने दूर से आ रहे हैं, तो मैं जब आप लोगों के लिए इतना देख रही हूँ, आप इतना भी तो देखिए कि मेरे बच्चे कितने छोटे हैं, जिन बच्चों की मैंने खुद कंघी करनी है, जिनको मैंने खुद बाइट देनी है, ठाणी में डाल के देनी है, कि जो अपना नहीं कर सकते, तो फिर मेरा टाइम देखिए आप कितना कीमती है, ठीक है ना। तो अब आप कोई कह देगा कि आप फिर कर क्यों रहे हैं, मुझे ये भी हुआ कि फिर ज़रूरत क्या है करने की, बात ज़रूरत की नहीं होती, बात ये है कि मुझे शौक है अपनी भगवती का काम करने का, और मेरा दिल करता है कि मैं दुखियों की मदद करूं। जब आपके अंदर दैवीय शक्तियां प्रवेश करती है, किसी की सवारी आपके सिर होती है, तो आपके भाव, आपकी आत्मा, आपकी अंदर अंतरात्मा दैवीय स्वरूप हो जाती है। लेकिन मैनेजमेंट तो हर जगह की होनी चाहिए ना, बिना मैनेजमेंट से आप मुझे बताइए कि कौन सी संस्था चलती है, या कौन से दरबार चलते हैं, कौन सी चौकी चलती है, जहां मैनेजमेंट नहीं होती है वहां हड़कंप मचता है, ठीक है, हड़कंप मचता है और वो सभी को फिर करता है, ठीक है। तो मैं नहीं जाती हूं इस तरह की, कोई ऐसा शोरबुल यहां हो, कोई अभद्रता यहां हो, या मुझे कोई जैसे वायलेंट ज्यादा, मैं ऐसे मुझे ज्यादा गुस्सा आकर के अग्रेसिव होकर के मैं आपको यहाँ पे बोलूं, तो जो मैं अपनी बदतमीजी का प्रदर्शन किसी के सामने दिखाऊं, आपको पता है कि सोशल मीडिया पर जाते हैं तो आपकी एक एक चीज वहां नोट की जाती है, ठीक है। ठीक है, जब कोई काम करेगा गुस्सा आ जाता है, गुस्से में बोल भी हो जाता है, कई कुछ बोल हो जाता है, कितना स्ट्रेस होता है इन चीजों का, आप खुद ही देख रहे हो, आपको एक चीज कितना परेशान करती है, हम हजारों को निकालते हैं, हमारी क्या हालत होती होगी, ऊपर से देवी का इतना
जोर रहता है सिर पर, सिर का हालत वो हुई होती है कि भाई बोझ इतना होता है, अपने आप को सामना मुश्किल हो जाता है, धक्का खुद को आ जाता है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा समझिए, ठीक है। बार बार अगर आपको नई समस्या नहीं है तो आगे आने की कोई जरूरत नहीं है। ये ना सोचिए कि आज आज सैटरडे हमें इससे मिलने का टाइम मिला हुआ है तो इसको मल लीजिए जिस तरह मर्जी हमारे से हो सके, ठीक है। दरबार में महज अगर आप आ गए, भजन आपने सुन लिया, तो वो कृपा भी बहुत है। कम से कम शांति रखिए, शांति रखिए, क्योंकि अगर कल को ऐसा समय होगा तो फिर आप लोगों को तो हैबिट होगी है उस चीज की कि हम जाएंगे और फिर उदी भी गलना, उदी भी गलना, उदी भी गलना। और कल को अगर ज्यादा हो गया आगे मेरे पर, फिर आप उस आदत से वंचित हो गए तो आपकी आत्मा दुखेगी फिर आपको। तो उतना ही इंसान को किसी के साथ रहना चाहिए जितना कर वो उसको ताउम्र तक चला सके, ठीक है। जब मैं आपको कह रही हूँ कि दरबार में महज एक बैठना और भक्ति करना ही ठीक होता, दूसरे की पंचायतें लेकर करना ना आए आप। रिश्तेदार तो सभी कहेंगे मेरे नहीं है रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदारों की किसी की हिम्मत नहीं है। 10 बार सोचते हैं वो मुझे फोन करने को, उनको मेरे नेचर का पता है कि मैं कैसी हूँ, कैसी हूँ, कैसी नहीं, मैं सबको इक्वल हूँ, बराबर हूँ, ठीक है ना। तो वो उनको पता है इस चीज का, है ना। तो फोन मैं नहीं किसी का उठाती हूँ, ठीक है। और हाँ, सच में फिर भूल जाऊंगी, जो मैंने नंबर मेंशन किया है आप लोगों की किस समस्या के लिए किया हुआ है, ठीक है ना। मैं ऐसी बेली नहीं हूं कि भी हाँ अगर आप लोग मुझे लगा रखेंगे उसमें टुक टुक, और साथ के साथ अगर 3-4 बार 5 के बाद फोन बार बार मेरे ना उठाने के बाद वजह मैं ब्लॉक करूंगी, आप बात करने से भी जाएंगे। आपको समस्या है, जितनी मर्जी समस्या, जितनी मर्जी लंबी समस्या, आप रिटर्न मैसेज करिए, वॉइस मैसेज उसमें करिए। मेरा जवाब अगर आपको नहीं आएगा तो आप मुझे कहना, अगर आपका जवाब ठीक होगा तो मैं जवाब जरूर दूंगी, ठीक है। तो इस चीज का आप नोट कीजिए, जब किसी साधक से बात करनी हो, साधक से किसी से जान चुके हो, आपकी एंजलिस की कलर खराब हो रही है देख, तो अगर आप जान चुके हो कि हाँ ये साधक, फिर आप जब जान चुके हो कि कोई साधक है या कुछ भी है, तो उससे निमित्त आपको ये देखना चाहिए कि इनके खुद के रूल रेगुलेशन भी हो गए, और ये भी देखना चाहिए कि खुद स्ट्रिक्ट कितने हो गए, ठीक है ना। हम नहीं ऐसे नहीं आलतू फालतू नहीं, हमारे पास नहीं टाइम होता इतना, वो चीज़ें हमारे जीवन से निकल चुकी होती है। ये होते हैं बेले लोगों के काम, ठीक है ना, मेरे काम नहीं है ऐसे। मैं सिर्फ यहाँ लोगों की मदद कर रही हूँ, गरीबों की मदद करिए। कितनी कितनी लाचार बेटियों के मैसेज आते हैं, कितनी कितनी दुखियों के मेरे पास आते हैं जिनको मैं क्योर करती हूँ, उनका मैं सुनती हूँ, और मुझे पता होता है कि ये सच में दुखी हैं, बेले नहीं करने, और मुझे आजमाने की तो कोशिश ना करें कि हाँ जी बच्चे हैं तो मुझे बोलें कि मेरे बच्चे नहीं है। तो अगर ऐसी प्रतिक्रिया आप देंगे ना, तो मैं चलती फिरती देवी नहीं हूँ, ठीक है, मैं इंसान हूँ। हमें भी आप भगवान का एहसास होता है, आभास होता है जितना सा हम कर देते हैं, और बाकी ऐसे मैं कोई यहाँ अंतर आत्मा नहीं हूँ, कोई बड़ी अवतार नहीं पैदा हुई हुई हूँ यहाँ पे कि जो चलती फिरती हूँ, कोई देख ले घर जा करके कि बच्चे हैं कर नहीं है कि नहीं, इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। मतलब से बात कीजिए, अगर आपको जरूरत है, आवश्यकता है किसी चीज की तो करिए। आप बड़े सौभाग्यशाली होंगे जो हमसे जुड़ेंगे, और मेरे निमित्त आपको कोई जानकारी दी जाएगी और आपकी समस्या सॉर्ट आउट की जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा थोड़ा सा बताना था, और सबसे जरूरी मैं ये आई थी कि मैं अपनी संगत और अपनी बच्चियों का बहुत हार्दिक तो करती हूँ, क्या कह सकती हूँ, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है आपको बोलने के लिए, कि थैंक्स करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपकी वजह से हुआ। मैं देख रही हूँ दो तीन साल हो गए लोगों का चैनल मोनोटाइज नहीं होते, तो उनसे तो फिर मैं अपने आप को बड़ी बेटर मानती हूँ कि कम से कम मेरी इज्जत मेरे बच्चों ने, मेरी दरबार की बच्चियों ने रखी है। तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि आपका बहुत थैंक्स है मुझे सपोर्ट करने के लिए। टांगे तो मेरी बहुत खींचने वाले हैं, अगर सपोर्ट करने वाले आप हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिंदगी में जितने किसी को दुख देने वाले होते हैं ना, उतने उनको सुख देने वाले भी होते हैं, ठीक है ना। उनको सुख देने के लिए बहुत से लोग होते हैं, दुख देने को तो दुनिया भर ही पड़ी है, सुख देने के लिए तो कोई कोई होते हैं, है ना। तो ठीक है, तो मैं आप सभी से यही हाथ जोड़ के वो करती हूँ। ये मेरी वीडियो इसलिए लंबी होगी, इतनी लंबी वीडियो बच्चे ही सुनेंगे, और नहीं सुनते हैं कोई भी, सुनने जिसको अच्छी लगी सुन भी लें तो, लेकिन मैं बहुत 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 थैंक्स करती हूँ, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, ठीक है। मैं अपने नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ आपके पास जरूर आऊंगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए, है तो बहुत लंबी है, फिर भी लगा के छोड़ दीजिए अगर बोर रहेंगे तो। जय माता की, जय श्री महाकाल। आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन का बटन जरूर कीजिए, तभी आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। जय माता की, जय श्री महाकाल।